हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो हमें पता है जो हमारा बाइनरी नंबर होता है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है, और जो ऑक्टल नंबर होता है वो होगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास क्या होगा, बाइनरी नंबर गिवन होगा और उसको हमने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं। हमारे पास एक ऑक्टल नंबर की टेबल होती है, हम वो यूज करेंगे। और उसके बेस पे हम 2 मिनट में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा इसमें, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, पहले इसमें हमें 0 1 0 1 0 1 देना है, फिर हमें 2 बार 0 देना है और 1 2 बार 1 लेना है, फिर 2 0 फिर 2 1, फिर हमें 4 टाइम्स 0 लेना है और 4 टाइम हमें 1 लेना है। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है। 1 की वैल्यू क्या है, 0 0 1, 2 की वैल्यू क्या है, 0 1 0, 3 की वैल्यू है 0 1 1, 4 की वैल्यू है 1 0 0, 5 की वैल्यू है 1 0 1, 6 की वैल्यू है 1 1 0 और 7 की वैल्यू है 1 1 1। तो ये जो हमारे पास ऑक्टल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7, इनकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे गिवन है। अब हम अगर एग्जांपल सॉल्व करें, एक हमारे पास क्वेश्चन है क्या है, बाइनरी नंबर है हमारा 1 1 1 0 1 0 1, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है और इसको हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम इस नंबर को यहां लिख लेते हैं 0 1 1 1। हम इसमें क्या है, हमारे पास 3 के पेयर बन रहे हैं, 3 बिट है हमारे पास, तो हम यहाँ पे 3 बिट का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे भी 3 बिट का बनाएंगे। अब यहाँ पे भी 3 है नहीं, तो हम इनके आगे 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसको 3 बिट के पेयर बना लिए, हमारे पास बाइनरी नंबर थे उनके। फिर हमारे पास क्या है 1 0 1 1 0 1 की क्या वैल्यू है, 5 1 1 0 1 1 0 की वैल्यू क्या है, 6, और 0 0 1 क्या है हमारे पास, 1। तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर है 1 1 1 0 1 0 1, ये जब हमने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया तो क्या वैल्यू आई, 165। क्या वैल्यू आई, 165। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। जैसे कि हमारे पास है बाइनरी नंबर है 1 0 1 0 1 0 0 0, ये हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है और इस बाइनरी नंबर को हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल नंबर क्या आएगा, हाँ पहले बाइनरी नंबर को लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 0 0 0। अब हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड से इसके 3 पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब 0 0 0 क्या है, हमारे पास 0 है, 1 0 1 क्या है, 1 0 1 हमारे पास 5 है, और 0 1 0 क्या है, हमारे पास 2 है। तो क्या बना, 250। तो जब हमने 1 0 1 0 1 0 0 0 जो हमारे पास बाइनरी नंबर है, तो जब हमने इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या है, 250 आया। तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने ऑक्टल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो 0 to 7 होते हैं। जो ऑक्टल नंबर हमारे पास होते हैं वो कितने होते हैं, 0 to 7 होते हैं। और उन 0 से 7 की वैल्यू क्या है, 0 के लिए 0 0 0 है, 1 के लिए क्या है, 0 0 1, 2 के लिए 0 1 0, 3 के लिए 0 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1 एंड 6 के लिए 1 1 0 और 7 के लिए 1 1 1। और ये जो टेबल है वो सिर्फ ऑक्टल नंबर के लिए है, ये किसके लिए है, ऑक्टल नंबर के लिए टेबल है। अब जो हमारे पास हम नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, वो हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।